अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं हूं आपका अपना हकीम अब्दुलरहमान भट्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे मोतबर तिबी चैनल रहमान हर्बल क्लिनिक। तो साथियों, आज हम बात करते हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। ये एक बहुत तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़ है और हर दूसरे घर में इसका मरीज़ जो है वो मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे इसके अलामात, इसके असबाब और इसकी वजूहात जो हैं और इसके इलाज के बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जोड़ों का दर्द जो है इसको वजल मुफासिल भी कहते हैं, इसको अर्थराइटिस भी कहते हैं, इसको गंठिया भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से इसको जो है वो पुकारा जाता है। इसके जो असबाब हैं उनमें सबसे पहले तो आजकल जो अक्सरियत में देखा गया है वो है मोटापा। जो मोटापा के शिकार हैं वो अक्सर लोग जो हैं वो जोड़ों के दर्द में भी मुबतला होते हैं। इसके अलावा बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिस तरह चावल, दूध, दही, दही, लस्सी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करने, रुतूबा जब बढ़ जाती हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है। इसके अलावा ये यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाती है। जोड़ों के अंदर जो झिल्लियाँ हैं जब वो मुतवर्रम हो जाती हैं, जब सूजश उनमें आ जाती है तो उस वक़्त भी दर्द होती है। जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड है, जो रुतूबत एक होती है जो कि उनको आपस में रगड़ खाने से रोकती है, वो भी जब कम हो जाती है तो तब भी जो है ये दर्द होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दर्द जो है वो चोट अगर लगे, कोई पुरानी चोट लगी हो तो वो भी दर्द सर्दियों में या बुढ़ापे में वो भी उसका सबब बन सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी की वजह से भी हड्डियां जो है वो दर्द करती हैं। एक छोटे जोड़ों का दर्द होता है, एक बड़े जोड़ों का दर्द होता है। बड़े जोड़ों से मुराद जिस तरह घुटनों का दर्द है या कोले का जोड़ है उनके दर्द है, कोहनियों का दर्द जोड़ है, कंधों का जोड़ है, ये बड़े जोड़ होते हैं। छोटे जोड़ होते हैं जो उंगलियों के जोड़ होते हैं या पैरों की उंगलियों के जो जोड़ हैं, हाथों या पैरों की उंगलियों के जो जोड़ हैं, ये छोटे जोड़ कहलाते हैं। तो जो यूरिक एसिड की वजह से दर्दें होती हैं वो बाज़ का छोटे जोड़ जो हैं, जिस तरह उंगलियां, हाथों और पैरों की उंगलियां, एड़ी में दर्द होता है। तो यूरिक एसिड जो है उससे मुतल्लिक तफसीली एक वीडियो अपलोड हम पहले से कर चुके हैं, आप उसको देख के उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मोटापे की वजह से अगर जोड़ों में दर्द है तो उसके मुतल्लिक भी जो मुकम्मल एक वीडियो मैं तफसीली वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप उससे भी देख के इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अब ये है कि अगर फ्लूइड कम हो गया है या बादी चीज़ें, खाने की ज्यादती, बलगमी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनसे बलगमी रुतूबात बढ़ जाती हैं उनके खाने से अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका परहेज़ किया जाए, वो चीज़ें छोड़ी जाएं। और जो ऐसी चीज़ें जो मुखरज बलगम हैं, जो रुतूबात को खारिज करती हैं, उनको इस्तेमाल, जिस तरह एक कहवा मैं अक्सर बताता हूँ, अदरक और पुदीने का कहवा जो है वो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में शहद डाल के, गर्मियों में इसको वैसे इस्तेमाल करें तो इससे भी बलगम का इखराज हो जाता है और बेहतर हो जाता है। लेकिन जब जोड़ों के दर्द शुरू हो जाता है, एक चीज़ याद रखें, तो फिर बलगम का इखराज हो भी जाए तो फिर भी जोड़ों को रिपेयर करने के लिए मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ती है। इसके लिए कर्शी कंपनी की जो है हब्बे मुफासल जो है गोलियां आती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मजून फलासवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तशखीस के मुताबिक जो है फलासवा भी बलगम को ठीक करती है, और ये जो अतरफुल इस्तखदूस है ये भी बेहतरीन काम करती है बलगम पे। तो आप तशखीस, मोटापा है तो उसका इलाज करवाएं, यूरिक एसिड तो उसका इलाज करवाएं, अगर बलगमी रुतूबात की ज्यादती की वजह से है तो इन दोनों में से कोई भी मजून आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कावा बताया वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द के लिए आप कोई भी ऑयल जो है मार्केट में अक्सर ऑयल आते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप तिलों का तेल जो है उसमें कुचला अक्सर पंसार से आम मिल जाता है वो ले लें। अगर एक पाव आपके पास तेल है तिलों का तो उसमें 50 ग्राम जो है वो कुचला और 2 तोला रतन जोत मिला के उसको आग पे रख के बिल्कुल धीमी आग पे उसको जला लें, जब ठंडा हो जाए उतार लें, इसकी भी आप मालिश करें तो जोड़ों के दर्द का इंशाल्लाह बहुत आपको फायदा होगा।
तो इसके अलावा इस सबब को दूर करे तो मुस्तकिल ठीक होगा। एलोपैथी में जो मेडिसिंस हैं वो खास तौर पे दर्द को आराम देती हैं, दर्द की वजह को आराम नहीं देती। जिस तरह दर्द जो है वो एक अलामत है, मर्ज नहीं है। तो मर्ज को दूर होगी तो दर्द खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम दर्द को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे, तो चूंकि जो उसका सबब है वो मौजूद है, तो जैसे ही पेन किलर का असर खत्म होगा, दर्द फिर दोबारा से होना शुरू हो जाएगी। तो यही वजह है कि एलोपैथी में जितनी भी मेडिसिंस हैं वो दर्द कुश हैं, दर्द को खत्म करती हैं, पेन रिलीफ देती हैं, लेकिन उसके लिए मुस्तकिल जो है बुनियादों पर मरीज जो है वो दवाई इस्तेमाल करता है, वो ठीक नहीं होता। तो इसलिए सबब को जाने, सबब को देख के उसके मुताबिक उसका इलाज करें। अगर जलियां मुतवर्रम है और तशखीस के मुताबिक नब्ज़ वगैरह चेक करवा के आप देखें कि किस वजह से जलियां मुतवर्रम है। बाज़ का सुजाकी जहर की वजह से भी जलियां मुतवर्रम हो जाती हैं, आज की जहर की वजह से भी जलियां मुतवर्रम हो जाती हैं, मुख्तलिफ यानी कि इसके असबाब होते हैं। तो इसमें ये एक चीज और है कि जो खानदानी तौर पे भी बाज का जोड़ों में दर्द, जो जिसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं, जिसमें बाज का माँ की तरफ से उसके खानदान में एक मखसूस उम्र में जिस तरह बुढ़ापे में आके दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, या बाप की तरफ से खानदान में किसी को होता है, तो वो मुसलसल चलती आ रही होती है, जिसकी वजह से आगे नस्ल में ये चीज मुंतकिल, उसकी वजह से भी सबब होता है। तो उसका यह है कि आप एक तो मुतवाजन गजा इस्तेमाल करें, दूसरा इलाज जो है इसका मुकम्मल मुस्तकिल इसका इलाज करवाएं, ताकि दोबारा आपको भी ना हो और जो आपके औलाद है या आने वाली नस्ल है उसमें भी ये चीज़ मुंतकिल ना हो। उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का लाइक और शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।